Please do not discuss among yourself. फोन अंदर रखो. दे रहा आप लोग जो आता है बस वही करना है, तो करेक्टली जज करना. हाँ, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सारे 40 out of 40 जो आता है वो करो, जो नहीं टाइमिंग का ध्यान रखो. क्वेश्चन समझ आ रहा है कि 1 मिनट करेंगे लास्ट में. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए, सब टेस्ट का यही मकसद है, बताओ कि कौन से क्वेश्चन. कभी हेल्प मत लो. कल से आज का टेस्ट, आज से कल का टेस्ट टफर होगा. आज थे
बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ अल्तमस आप स्ट्रैटेजी नहीं, मैंने आपको बोला ऑप्शंस पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो वही तो बताएं। ऑप्शन देखने से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन टाइम कम लग, फिर नहीं समझोगे एग्ज़ाम जिस दिन दोगे ना उस दिन आप फ़ोन करके आप ही बोलोगे। आपका पहला एग्ज़ाम है ना ये अल्तमस? दस सेकंड में करना है, 10 सेकेंड। हाँ रुकना, मैंने क्या बोला ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ने में ही टाइम। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है? अच्छा ऐसे वाले क्वेश्चन या तो आपको आते हैं या नहीं, इसमें सोच विचार करने वाला कुछ नहीं है, कंसेप्ट नहीं है इसमें कुछ, सोचने से आंसर मिल जाएगा, इसमें सोचने से आंसर कुछ क्या होगा यहाँ? या तो आंसर आपको पता है कि 8 9 10 7 8 कुछ है इसमें, या तो नहीं पता है। इसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब है? कोई 4 बार पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, फिर चीज़ों को समझो ना, क्या किस में कंसेप्ट लग सकता है, इसको कोई भी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो आप। कोई ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने का? कोई ट्रिक नहीं है, तो जिसमें ट्रिक नहीं है मैं उसमें क्यों टाइम वेस्ट करूँ? मुझे यदि पता है कि कितने ईयर लगने हैं, कितने टेक्सटाइल पार्क बनने हैं, पता है, नहीं तो नहीं पता। मतलब ये तुक्के वाला क्वेश्चन होगा ना, ये लास्ट वाला होगा इसका मतलब, तो पहला टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, जब पता होता है तो कोई बात नहीं है। ये लगा सकते हो थोड़ा ट्रिक लगा के, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन होने जा रहे हैं इस बार। 35 क्वेश्चन में से करीबन 20-22 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन, मैं इको की हूँ तो इको की ही बता सकती हूँ, बाकी मैं मेरा क्या राइट है बोलने। आई एम श्योर ये सबका गलत होगा, जो ट्रिक लगाएगा जो नहीं ट्रिक। मेरी ही तरह सारे एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेंगे।
भी बार बार बोल रही हूँ बात को सुन। धीरे धीरे सपना क्वेश्चन पढ़ोगे ना, पढ़ रहे हो PROMOTERS प्रोमोटर्स, हो गया सारा क्वेश्चन थोड़ी पढ़ना होता, कीवर्ड ढूंढो। जहाँ डैश होता है ना उसके आगे दो वर्ड व पीछे दो वर्ड देखने होते हैं बस। हो गया है हमारे पास 5-7 मिनट अभी भी, ठीक है तो मैं आपको पीछे से लेके चलती हूँ, मन से नहीं दिखाऊंगी। 35, 34, 33, 32 कौन सा देखना, 22, ट्वेंटी थ्री, 23। अल्तमस मेरे को एकदम सच्ची सच्ची एक बात बताओ, एकदम दिल पे हाथ रख के बात बताना। आपने चैप्टर को एक बार भी पढ़ा है? चैप्टर 4 22 किसका था डाउट? ट्वेंटी इस क्वेश्चन को पढ़ा ही क्यों आपने? क्वेश्चन नहीं पढ़ना था, उसका आंसर पढ़ना था। 18 ठीक है, 18 हुआ, किसका चाहिए और आगे? 19 मेरा टाइम अलाउ करेगा तो दिखाऊंगा। ये तो कर लो, ये पूछ रहे थे ना, ये कर लिया, हो गया सबको। और 13, 12 बस गलती कर फंसेगा। आपका ये पहला CSWT है, मेरा 11वां है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आपको इको ठीक, आप ये बोल रहे हो ना इको, मेरे को और सब्जेक्ट्स नहीं आता, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट्स मेरे को दो, मैं सब में क्लियर करूंगी। मेरे को कुछ नहीं आता है, एंड बिलीव मी, आप पुराने स्टूडेंट से पूछ लो, मेरे को कुछ भी नहीं आता अदर देन इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं गाइडेंस फॉलो कर रही हूँ। मेथड फॉलो करो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। और आप सोच रहे हो कि बॉल गलत आएगी छक्का मारेंगे, वो नहीं आएगी, मेथड फॉलो करो। रीड ऑप्शंस पहले, हर चीज हलवा नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है।
आप लोगों का जो हाल रह रहा है, मुझे तो लग रहा है कि यदि नेशनल इनकम से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए और वो सब 2 मार्क्स के हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। और कौन सा? फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है अब। कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होंगे ना वो सब 2 मार्क्स के होंगे और वो सब डिमांड सप्लाई नेशनल इनकम से आएंगे। यही 2 चैप्टर है, 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिमांड सप्लाई नेशनल इनकम, बाकी सब 1 मार्क्स। टाइम से पहले कर लिया तो क्वेश्चन वापस दिखाऊंगी नहीं। करंट अफेयर्स मतलब है इसमें कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। टाइम 7 मिनट्स फ्रॉम नाउ। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है लेकिन जो आता है तो आता है, नहीं आता तुक्के लगने वाला। कंसेप्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, टाइम इधर बचाओ ताकि आपका लीगल एप्टीट्यूड जो दूसरा सेकेंड मोस्ट पार्ट होता है उसके टाइम बचाना। करंट अफेयर्स के साथ वही आने आएगा ना, करंट अफेयर्स के साथ प्रेजेंटेशन और लीगल के साथ। चेंज हुआ है पता है ना, नॉट है
वापस दिखाऊं? फिफ्टीन, फोर्टीन, थर्टीन, अपना इतना नोटिफिकेशन खाने वाली है ना, पूरा न पूरा मतलब पूरा सर ऐसे पूरा घूम पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। सर नहीं घुमाना, समझ का तो स्पेक्स है वो भी फंसेगा का नहीं। तो वो अलग अलग बात है, स्पेक्स है ना तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़्यादा आएंगे। नहीं नहीं उसके वजह से नहीं, वो तो सबको पता है सबके 90% स्पेक्स ही होते हैं। नहीं वो ज़्यादा परेशान करेंगे, बात ये है। बेसिस में मैं बात कर रही हूँ, अब उनको क्या लग रहा है नहीं लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हुआ है वो मैं बता सकती हूँ, क्या होने वाला है वो थोड़ी बता सकती हूँ। उनको ज़्यादा परेशान करते हैं और क्या हुआ है, कैंसिल आ जाता है और क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा? ठीक है, जब भी क्वेश्चन पढ़ो एक और चीज़ सब याद रखना, एक्सप्रेशन नहीं, ना स्माइल करना ना गुस्सा दिखाना, खुश भी हो जाते हैं ना बच्चे, अरे इजी क्वेश्चन आया खुश, वो भी नहीं होना है, वो भी दिख रहा है उनको। अब क्या करूं, जो हुआ है मैं वो बता सकती हूँ आपको। आप स्माइल करते हो ना, दैट मीन समवन वाज प्रेजेंट, वो आप तब नहीं बताएंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन लिखा हुआ आ जाएगा समवन एल्स वाज देयर इन योर रूम। प्लीज डोंट, जो भी बातें हैं समझ लो सुन लो। रुको, रुक गई, ऐसे आता है इसको। रोम, पेरिस, लंदन, बाली। करंट अफेयर्स में आपको ऑड वन आउट ढूंढना है, हो गया? आगे बढ़े, और कोई क्वेश्चन देखना? तो मेरा टेस्ट कौन बनाएगा? बनाती वही है, मैं तो सेंड कर देती हूँ जो मेरे को सेंड करना, बाकी एडिट वही करती है, बनाएगी तो वो क्वेश्चन वही, कोई को का थोड़ी बनाएगी। ICSI के क्वेश्चन भी मेरे ही है, ये भी ध्यान रखना। मजाक मजाक मजाक, बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ये दोनों निकलेंगे क्लासेस, जाओ घर से जाके वो एग्जाम दो जाओ। क्या बोला, एक्सप्रेशन नहीं देना, हमेशा टेंशन में रहना, मास्क तो नहीं पहन सकते, मास्क बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। आप अकेले क्लास में बैठे हो तो कौन क्यों मास्क पहन रहे हो? खुद को चतुर मत समझो, वहां महान चतुर बैठे हैं।
क्वेश्चन पढ़ लो। फिल्म इसमें अमिताभ बच्चन है, कौन है वो? बदलापुर है ये, ओनली बदला है, तापसी पन्नू है। और पूछूं किसकी फिल्म है? ऑप्शन टू बाय सिक्योरिटीज, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, हेजिंग, आर्बिट्रेज। ना पढ़ाई नहीं हो रही है फिर एक्सप्रेशन क्यों? आधा घंटा, 40 मिनट बीच में आना चाहते। रेनू ये ना वो ऑप्शंस कम्युनिकेशन अलग अलग आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे है, नंबर 12, अ सक्सेसफुल मैनेजर शुड बी ट्रेन्ड लिसनर, इट अ ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट? दो ही ऑप्शन है, सक्सेसफुल मैनेजर शुड बी अ ट्रेन्ड लिसनर। ऑफ दिस शुड अवॉइडेड फॉर इफेक्ट टॉक्स, अवॉइडेड ऑप्शन में कनेक्टिंग सेशन स्पेशल फीचर।
अ वेल ऑर्गेनाइज स्टॉक इज अ डैश स्टॉक, नॉट लॉन्ग रैंडम स्टॉक. वेल ऑर्गेनाइज स्टॉक नॉट लॉन्ग रैंडम स्टॉक. Of this avoided in pre-listing analysis. Discipline, concentration, avoided mental discipline, concentration, predicting is the technique for forecast. Forecast what the speaker will. Statement or predicting is the technique to forecast what the speaker will say. On an average business communication में ज़्यादातर students के सबसे highest mark आते हैं. चारों paper में सबसे ज़्यादा marks business communication में. Energy down नहीं होनी चाहिए. में पोर मतलब बहुत कुछ करेगा. फिर तो मैं सो सो चलेगा बिजनेस कम्युनिकेशन में, सो तो नहीं चलेगा. नीड दिस स्किल. वापस देखा हूँ क्वेश्चन. वंशिका रैंडम मत लगाओ, जो आता है वो लगाओ, जो नहीं लाता है ब्लैंक छोड़ो. घर जाके आप इसको वापस करना, ठीक है सपना. क्वेश्चन दिखाऊं इसके वापस. विच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग. नोट टेकिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेडिक्टिंग. और क्या टेकिंग, नोटिस राइटिंग, राइटिंग, प्रेडिक्टिंग. अवॉइडेड व्हाइल कंसंट्रेशन इवैल्यूएशन लिसनिंग प्रेजेंस. हाईएस्ट मार्क्स इसी में आते हैं और सबसे कम टाइम इसमें लगता है. 10 मिनट में हो जाएगा ये पेपर. बिजनेस कम्युनिकेशन सबसे पहला ही सेक्शन होगा. गुड स्टार्ट. साइंटिफिक टेक्स्ट, टेक्निकल टेक्स्ट, नॉट अ टाइप ऑफ टेक्स्ट. रेफरेंस मटेरियल, चैट, टेक्निकल. विच ऑफ दिस इज नॉट अ डिटरेंट टू द लिसनिंग प्रोसेस. नॉट अ डिटरेंट. लैक ऑफ इंटरेस्ट, टू कॉन्फिडेंस, फियर. लैक ऑफ इंटरेस्ट, ईगो. फुल फॉर्म ऑफ आई एम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्लान. इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. पी ओ पी का फुल फॉर्म
पोस्ट ऑफिस प्लान, पॉइंट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉइंट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस प्लान, पॉइंट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉइंट ऑफिस, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट अ शेयर्ड ईयर, 46 56, मार्केटिंग का कौन सा इंपॉर्टेंट ईयर, 46, यूजेस ऑफ इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंस, कॉमर्स, ऑल ऑफ द अबव, 27, कॉस्ट इफेक्टिव फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट, करिस्पॉन्ड, द अबव, फॉर्म ऑफ एफ टी पी, कौन सा फुल फॉर्म ऑफ एफ टी पी, टाइम प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फन टाइम प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफर, डीप करना भी होता है क्वेश्चन, करेंगे घर जाके कर, पर नन ऑफ द अबव, अटैचमेंट इंटरफेस, स्पैम, शेयर डॉक्यूमेंट वर्कशीट एक्सेस, नॉट एन एडवांटेज ऑफ ईमेल, नॉट इनएक्सपेंसिव, फास्ट, सिक्योरिटी, नॉट एन एडवांटेज, फास्ट, पर्पस ऑफ इंट्रानेट, कॉर्पोरेट कल्चर, ऑल ऑफ द अबव, एचटीएमएल का फुल फॉर्म, आपका क्या नोटिस आया था, सबका नोटिस क्या आया था, आप काम का क्या आया था, लास्ट वाला तो वैसे कोई नोटिस नहीं आया, बार ध्यान रखना आप रीड कर रहे हो, रीड नहीं करना, क्या कौन सा क्वेश्चन दिखाना, 35, इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी, आरपीए, एनएसएफ, ए, ऑफ दिस, ऑफ दिस, ठीक है, कोई क्वेश्चन रिपीट करना, ओके, लीगल एप्टीट्यूड टफ एरिया है अदर देन इकोनॉमिक्स,
कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट राइट पर्सन Valid contracts are made by free consent, by competent, lawful consent. Valid contract. Right. For money. What comes first in valid contract? Possibly. Of course, none of the above. What comes first? Possibility. Force. Of the above. Zoom करूं? Has a moral right over the house, right to live in the house. Sell. Has right against seller. Hold. Void under section. The Indian contract. Not enforced. If dot. Valid and valid for of consent. तो मुझे समझ अगर आप नॉट बी नंबर 9 8 दिखाऊं वापस पार्टली ट्रू ट्रू फॉल्स नॉट हैव ऑफ नॉट गिव ए इनवाइट्स बी फॉर हिज सन्स वेटिंग बी एक्सेप्ट्स दिस केस देयर इज एन एग्रीमेंट बट नो कॉन्ट्रैक्ट There is no
डॉक्यूमेंट इज एन एग्रीमेंट बट नॉट कॉन्ट्रैक्ट. वाई देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट लीगल डॉक्यूमेंट ए इनवाइट्स बी फॉर कॉफी ऑन द अपॉइंटेड डेट गोज देयर बट इज he has no remedy against it. He has to wait for another invitation. The right to sue a for not honoring his course might be against. He has no remedy. Dogma. खुद बुला. ए प्रॉमिस टू गिव 5,000 पर मंथ पॉकेट मनी टू इसन इफ ए डज नॉट गिव द पॉकेट मनी. अब देखो क्या होता है. बी कैन स्यू हिज फादर. बी हैज नो रेमेडी अगेंस्ट ई. बी कैन एक्सेप्ट अ लोअर पॉकेट मनी. ही हैज टू एग्री. He has to give rupees 5,000 to his father. He can sue his father. He has no remedy. He can accept a lower pocket money. He has to give 5,000. Legal aptitude के सारे questions options same लगते हैं, correct लगते हैं, answer गलत होते हैं. दो subject है जो आपको ऑप्शन एक जैसे लिखते हैं. लीगल दिमाग लगाना. टाइम नहीं है. ए प्रॉमिस टू पे सन इफ सी एग्जाम पास करते हैं तो बी पास भी कर जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में. लेकिन ए को पैसे नहीं. बी फाइल्स अ सीट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट अकॉर्डिंग क्या वो मिलेगा. ए कैन सू ए. ही हैज टू पे 1,00,000. ही हैज नो रेमेडी. ही हैज टू राइट एग्जाम अगेन द रिवार्ड. क्वेश्चन मैंने बता दिया. आंसर जल्दी करो. अ कॉन्ट्रैक्ट rights and obligation of the parties. Obligation of the parties, mutual understanding between the parties, mutual lawful rights and obligation of the parties. A contract question 15. प्यार के चक्कर में इधर क्वेश्चन जा रहा है. किन गया. तीन एग्रीमेंट इज वैलिड. एक लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन. कोई भी एग्रीमेंट को वैलिड कब बोलते हो. जब उसका लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन राइट्स ऑफ ए पार्टी होती written on a piece of paper. It's legally binding right and obligation. लोगों का अभी जिन जिन को रोकूंगी ना वो आज रुक 10 मिनट एडवाइस सुन के फिर जाना तो रोकूंगी. Voidable contract is one which is lawful, which is invalid, which
which is valid as long as it is not avoided is unlawful. होपफुली आप लोग सब जब इस घर घर में जाते हो और इसका वापस इवैल्यूएशन करते हो, वापस दोबारा करते हो, डेली ये करना, यहाँ एक बार देना है टाइम बाउंड के हिसाब से क्या आ रहा है, और घर पे जब तसल्ली से आराम से बैठते हो तो कितना आ रहा है, इसका मतलब फ़र्क दिमाग का है, तसल्ली, सेटिस्फैक्शन, एटमोसफियर। यदि प्रॉब्लम प्रिपरेशन की है तो डू दैट, क्योंकि तसल्ली तो एडजस्ट नहीं होती। टेक्निकल डिफेक्ट्स, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल, अनइन्फोर्स्ड, टेक्निकल रीजन से जब आप इसको नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल, बायलैटरल, अनएनफोर्सेबल, वॉइड। सेफ इज टू सिक्योर, तो प्रोटेक्ट इज लॉक, गार्ड, स्टोर, कंजर्व। तो लास्ट था इसे लॉक, गार्ड, स्टोर, कंजर्व, प्रोटेक्ट, सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट। स्टेटमेंट, मेडिसिन पी इज अ ड्रग विच इज कॉजिंग रिपल्स इन द मेडिकल फील्ड। एजम्पशन, नो अदर ड्रग इज कॉजिंग रिपल्स इन द फील्ड, मेडिसिन पी इज अ ग्रेट ड्रग। क्या लॉजिकल शुरू हो गया, लीगल चल रहा है, तो ये लीगल नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं बताइए मेघा मैम को, ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, अजम्पशन टू इज इम्प्लिसिट, मेरे हिसाब से ये लीगल है। इफ आइदर वन और टू इज इम्प्लिसिट, नाइदर वन और टू इज इम्प्लिसिट। क्यों, इम्प्लिसिट तो लीगल होती है, आपको देना है क्वेश्चन करना है इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट प्रेजेंटेशन, करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट, the process of transferring file from computer to the internet to your computer, IP क्या mean, क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या था, सिक्स, कम से कम 7 सेकंड तक मैंने ये क्वेश्चन दिखा।
देख लिया क्वेश्चन, देख लिया क्या क्वेश्चन था? विच इज सर्च इंजन या विच इज नॉट सर्च इंजन? पक्का करो, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज? मेडिटेशन करने की वंशिका, आपके मार्क्स आपके ही है ना, आजू बाजू कोई हुए ना तो सी एस डब्ल्यू डूबेगा, ध्यान रखना। फिर मत बोलना मैम आपने पहले क्यों नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर ओएस कंपाइलर ब्राउजर आई एक्सप्लोरर। कितने बजे सोए थे? 1:45, 2 बजे ये पूछ रहे, सोया ही नहीं था। सुबह रात को बोल रहे हो? नहीं बोल रहे, रात को 11 बजे सो गए थे। लग नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम है? वे ठीक है, क्या खराब है फिर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वापस? आपने शायद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं अल्तमस, मुझे तो ये आता नहीं लेकिन मेरे को क्वेश्चन याद है, उसमें 4 W थे। मैं आंसर ही बता दूं आपको, आंसर ही बता दूं, ये है आप लोगों का फोकस। ये तो मेरे मेरा तो मतलब सब्जेक्ट भी नहीं है, तब भी मेरे को क्वेश्चन याद रह रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, आपको पता चल जाएगा। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनादर, अभी बोला मूविंग फ्रॉम वन टू अनादर, कंप्यूटर और इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स गिवन टू इनकरेज सेल ऑन कैश, रिडक्शन इन द प्राइस टू इनकरेज सेल। मार्केटिंग एक्टिविटी डायरेक्टेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनादर, के बगैर आंसर होने चाहिए। अभी वेट, वन बिजनेस
कंपनी दैट हैज कंट्रोल ओवर अ सर्टेन मार्केट, कंपनी हैज कंट्रोल, खुरपी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स सेटिंग लोअर प्राइस, एंट्री को रोकने के लिए प्राइस को जब लोअर किया जाता है, स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं? हो गया 19. Skill resource or other advantage that firm has related to its competitor that is important to serve the needs of customer in marketplace. Competitor ke against jab usko kya bolte hain? Strength, weakness, opportunity, threat. Skill. Other advantage the firm has the competitor. Limitation or lack of skill. Logical reasoning. एक ही तो बच रहा है, लास्ट है ना, करो. क्या बोलना नहीं है कुछ भी, अब देखो होता है तो करो नहीं तो आगे बढ़ो. सोचने से यदि हो जाएगा तो सोचो, टाइम दे रही हूँ.
सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट, द नाइन्थ एलिमेंट द राइट। Thirteenth, the right, second from left, आज 1 घंटा 15 मिनट लगा। प्रेजेंटेशन स्किल के आंसर आए हैं, लॉजिकल रीजनिंग वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है? आंसर घर जाके एक बार वेरीफाई करो, कुछ भी आपको डाउट लगे कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रही या करेक्ट है इनकरेक्ट है जो भी है, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना और रेस्पेक्टिव टीचर्स को। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि मैंने सही किया, सामने वाले ने गलत किया, ऐसा कुछ भी, तो आप मैसेज कर देना। एंड करो।